अनअकैडमी प्लस का जो सब्सक्रिप्शन फी है वो बढ़ाया जा रहा है। एसएससी सीजीएल 2020, एसएससी सीएचएसएल 2020, एसएससी एमटीएस 2020, आरआरबी एनटीपीसी एस्पिरेंट्स, आरआरबी ग्रुप डी एस्पिरेंट्स और बाकी सभी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स जो 2021 के लिए एलिजिबल है, मेरा आप सभी को एक जेन्युइन सजेशन है कि आप सभी अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, एसएससी एग्जाम्स चूज करिए। एसएससी एग्जाम्स के बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है, वहां पर आप ये 24 मंथ्स वाला प्लान चूज करिए। मैक्सिमम बच्चे इस समय 24 महीने का ही प्लान चूज कर रहे हैं। वैलिडिटी प्लान चूज करने के बाद आपको यहां पर जहां आपको दिख रहा है ना हैव अ रेफरल कोड, यहां पर आपको लिखना है पीएमवाईटी। जैसे ही आप पीएमवाईटी लिख के अप्लाई कर देंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं पीएमवाईटी अप्लाई करते ही 24 महीने का जो प्लान है वो आपको 5832 का पड़ जाता है। रेफरल कोड पीएमवाईटी अप्लाई करना है आपको। एक चीज का आपको ध्यान देना है कि आपको जो फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं वो भी आप रिडीम कर लेना। इसके अलावा ये जो डिस्काउंट कोड है पीएमवाईटी, ये पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है, चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीएससी एग्जाम्स, यूजीसी, आईआईटी, नीट, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बस आप अपना एग्जाम चूज करिए, गेट सब्सक्रिप्शन करिए, पीएमवाईटी अप्लाई करिए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट की चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। कोड नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, पीएमवाईटी। पीएमवाईटी अप्लाई करना पूरे अनअकैडमी पर किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एसएससी सीपीओ का एग्जाम आपका आज हुआ है 23 नवंबर का। उसकी सारी ही शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस मैं आपके लिए लेके आई हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बहुत हेल्पफुल रहेगी आगे की शिफ्ट के बच्चों के लिए, जिनके आप एग्जाम्स हैं आगे फर्दर शिफ्ट में, उनके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। आपको पता चल जाएगा कि थोड़ा सा किस टाइप का आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। अगर बात करी जाए लेवल कैसा था पेपर का, 23 नवंबर की शिफ्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, 23 नवंबर लेवल कैसा था? लेवल आपका इजी टू मॉडरेट कहलाएगा। ठीक है, इजी टू मॉडरेट, ज्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बहुत टफ पेपर नहीं आया है। थोड़ा सा बस ये है, अगर मैथ्स की बात करें थोड़ा सा कैलकुलेटिव मैथ्स है, आपको टाइम सेव करना पड़ेगा अपना। ठीक है, देखना पड़ेगा किस टाइप से क्वेश्चन में टाइम आप सेव कर पाओ। अगर हम बात करें ऑर्डर, किस ऑर्डर में क्वेश्चन आए हैं, सेक्शन वाइज अरेंज है। ठीक है, सबसे पहले तो आपका रीजनिंग है, फिर आपका जीए है, फिर आपका क्वांट है और फिर आपका इंग्लिश है। ठीक है, सेक्शन वाइज अरेंज है सारे क्वेश्चन। अगर रीजनिंग की हम बात करें सबसे पहले, तो रीजनिंग आपका इजी पूछा गया है, इजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हो पूछा गया है। ठीक है, और बाकी हम बात करें जीए के कुछ क्वेश्चंस मुझे जो मिले हैं वो मैंने इसमें आगे डाले भी हैं स्लाइड में। अगर बात करें तो मॉडरेट लेवल की जीए आपकी पूछी गई है, जनरल अवेयरनेस। करंट अफेयर्स का अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स आपकी लास्ट 8 to 9 months के पूछे गए हैं। तो आगे जिनका पेपर है वो 8 to 9 months के करके जाना। आप बोल सकते हो जनवरी से, मान लो आप जनवरी 2020 से आप लगा लो, तब के सारे करंट अफेयर्स अब तक के आप करके जाना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं आपके। अगर हम मैथ्स का लेवल देखें, मैथ्स का आपका मॉडरेट लेवल रहा है, थोड़ी सी हम कैलकुलेटिव बोल सकते हैं मैथ्स के पोर्शन को। अरिथमेटिक थोड़ी सी टफ बता रहे हैं बच्चे, बाकी एडवांस में काफी सारे क्वेश्चंस प्रॉपर्टी बेस्ड थे, फॉर्मूला बेस्ड थे और थोड़ी सी कैलकुलेटिव ये आपकी रही। तो बस कैलकुलेशन में कहीं नहीं फंसना है आपको, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है ये कैलकुलेटिव है, स्किप कर दो, नेक्स्ट राउंड में उसे देख लेना। ठीक है, इस चीज का मेन ध्यान रखना। इंग्लिश बात करें, इंग्लिश आपकी इजी आई थी, जैसे प्रीवियस ईयर में पूछी गई है उस टाइप की आपकी इंग्लिश आई थी। इंग्लिश में बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। ये आपका ओवरऑल हो गया पेपर का एनालिसिस, इजी टू मॉडरेट। अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं। जीए की बात करें, जीए में सब बच्चे घबराते हैं कि भाई क्या पूछा जाएगा। देखो ये कुछ क्वेश्चन है, विच मसल कॉन्ट्रैक्ट टू मेक द हेयर्स ऑन आवर स्किन स्टैंड अप स्ट्रेट, इसका आंसर है एरेक्टर पिलाई। ठीक है, ये पूछा गया है, ये आपका बायो का हो गया। नेक्स्ट है, द सब्जेक्ट ऑफ लाइफ स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री इज इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट, उसमें स्टेट लिस्ट आपका आंसर आना था। देन सब्सटेंस कवरिंग द रूट ऑफ टीथ, ये भी आपका बायो का बन गया, सीमेंटम इसका आंसर था। इंडिया की रैंक पूछी गई थी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में। ठीक है, ये आपका करंट अफेयर से हो गया, तो इंडेक्सेस भी आप देख के जाना जरूर। हो सकता है इसमें इन्होंने ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स पूछ ली है, नेक्स्ट शिफ्ट में कोई और से इंडेक्स पूछ लें। ठीक है, फिर ये है आपका ऑथर ऑफ कॉम्बेटिंग टेररिज्म, इसका आंसर है अर्नब गोस्वामी, ये भी आपका करंट अफेयर्स में से बन गया। तो बुक्स एंड ऑथर्स भी आपका पता ही है, ये टॉपिक अच्छे से करके जाना। ये आपका ज्योग्राफी का हो गया, रिवर कावेरी इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, तो उसमें कावेरी आपका आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट इज न्यू पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, जिसका आंसर है पी प्रवीण सिद्धार्थ, ये भी आपका करंट अफेयर से हो गया। ठीक है, फिर है ओजोन डे, वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड ऑन 16 सितंबर, ये आपका स्टैटिक में भी आप बोल सकते हो, करंट अफेयर में भी बोल सकते हो। डेज जो है आप
डेट तो देख के जाना है किस दिन कौन सा डे होता है, साथ ही आप इनकी थीम भी देख के जाना। अब जैसे इसमें इसने थीम नहीं पूछी है, हो सकता है आने वाली ट्रिप में आपको थीम देखने को मिल सकती है कि वर्ड ओजोन डे की थीम क्या थी, या फिर कोई और इम्पोर्टेंट डे है उसकी थीम क्या है, तो थीम साथ में देख के जाना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये स्टैटिक का हो गया, कैपिटल ऑफ नाइजीरिया दैट इज अबूजा। ठीक है, फिर है नोबेल पीस प्राइज 2020, ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, तो ये भी आपका करंट अफेयर का हो गया। करंट अफेयर से क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं बने, इजी बने हैं, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है तो बन जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, फिर यह देखो, ज्ञानपीठ अवार्ड वॉज स्टार्टेड इन 1961। फिर लेशा लपटू इज फोक डांस ऑफ नागालैंड। ये फोक डांस पे भी देखो अब काफी क्वेश्चन टीसीएस बना रहा है, फोक डांस हो गए या आपके फेमस फेस्टिवल्स हो गए, इनको जरूर देख के जाना, इनपे भी काफी क्वेश्चन बन रहे हैं। हेमिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन लद्दाख। समर ओलंपिक 2024 टू बी हेल्ड इन, ये कहाँ पे होगा, पेरिस में होगा, ये आपका करंट अफेयर का हो गया। ठीक है, फिर बात करें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया गिवन टाइटल ऑफ वाइसरॉय ऑफ इंडिया कब, 1858, आपका हिस्ट्री का हो गया। प्रधानमंत्री वाय वंदना योजना इज ऑर्गेनाइज बाई LIC। गवर्नमेंट स्कीम्स पे भी देखो क्वेश्चन बनते हैं, ये आपका उनमें से एक क्वेश्चन है, करंट अफेयर का हो गया, ये भी स्कीम्स में से आ गया। फिर है मदाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन छत्तीसगढ़, कहाँ मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। अब देखो मैंने बोला था आपको डांसेस हो गए, ठीक है, फेस्टिवल्स हो गए, ये दोनों चीज में से क्वेश्चन बनना ही बनना है, ये तो पक्की बात है। बस वही बात है कि जो आपने पढ़ा है वो आप एग्जाम में फंस जाए, तो ज्यादा से ज्यादा देख के जाओ, फेस्टिवल्स और डांसेस वगैरह ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। फिर है इंद्रधनुष एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन UK एंड इंडिया, तो मिलिट्री एक्सरसाइज जितनी है वो सब भी आप देख के जाना, इंडिया किसके साथ कौन कौन से नाम की मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता है। ठीक है, ये आपके कुछ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हो गए। अब आते हैं मैथ्स पर, ये आपके कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एवरेज एज ऑफ ए बी सी इज 25 ईयर्स, तीनों की एवरेज एज दे रखी थी, रेशियो दे रखा था, इफ रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 3:5:7, ठीक है, रेशियो दे रखा है, फिर एक ही एज पूछी है, तो ये भी इजी है, बना लोगे आप आराम से। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, एज सैलरी इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%, पहले 10% इंक्रीज कर दिया, देन डिक्रीज बाय 10%, फिर 10% कम कर दिया, देन फाइंड द चेंज इन एज सैलरी। अब इसमें देखो क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन समझ में आना चाहिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को, अच्छी तरह समझना कि चेंज पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो बस ये क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से समझना है, फिर प्रॉपर आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन 100 kgs ऑफ ब्रास इज 13:7, और फिर आपसे जिंक की क्वांटिटी पूछी है। ठीक है, तो ये भी ईजी था, ये आपके कुछ रेशियो प्रोपोर्शन कुछ क्वेश्चन है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो मैथ्स इतनी डिफिकल्ट नहीं आई है, बस आपको ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन में कहीं नहीं फंसना है। अगर आपको लग रहा है इजीली बन जाएगा कर दो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं कैलकुलेटर जाएगा तो उसको तभी के तभी स्किप कर दो, टाइम वेस्ट मत करना कि नहीं ये क्वेश्चन इजी है मुझे करना ही करना है, नेक्स्ट राउंड में कर लेना, कोई इतनी जल्दी थोड़ी ना है, टाइम है आपके पास नेक्स्ट राउंड में कर लेना, लेकिन अगर उसमें फंस गए तो उसके चक्कर में आप 2-3 क्वेश्चन और छोड़ दोगे अपने। ठीक है, तो ये आपका एनालिसिस था, इजी टू मॉडरेट आपका ओवरऑल लेवल कहलाएगा पेपर का। ठीक है भाई, बाकी के शिफ्ट के जो बच्चे हैं वो इसके अकॉर्डिंग अपना पैटर्न तैयार कर लेना अभी तक जो नहीं किया है। बाकी हम बात करें किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, UPSC हो गया, SSC हो गया, बैंक या रेलवे, सबके लिए क्या करना है आपको, अनअकैडमी की लर्निंग आपको इंस्टॉल करो, फिर अपने एग्जाम कैटेगरी चूज करो जिस भी आपके एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, फिर डिस्काउंट कोड कूपन कोड आपको डालना है PMYT, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और इसी में आपकी लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, क्लास PDF, डाउट सेशन, क्लास रिकॉर्डिंग सब कुछ इंक्लूडेड है, कहीं और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा, पूरा सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सब कुछ इसी में कवर कराया जाएगा। अगर हम SSC की बात करें तो 100+ एजुकेटर्स आपको मिल जाएंगे, 50+ बैचेस मिल जाएंगे, 3000+ आवर्स और 50+ मॉक टेस्ट, इतना सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, और किसी के लिए भी कुछ भी अलग से पे नहीं करना है, केवल आप एक बार सब्सक्रिप्शन लोगे और काम बन गया। जितने भी एजुकेटर्स हैं, वाईफाई स्टडी की फुल टीम हो गई, प्रतियोगिता मंत्रा की फुल टीम हो गई, अभिनय सर हो गए, सब टीचर्स के सारे आपके कोर्सेज इसी में इंक्लूडेड रहेंगे, किसी के लिए भी कुछ भी अलग से नहीं देना है, सब कुछ इसी में इंक्लूडेड रहेगा। आपको केवल क्या करना है, PMYT डिस्काउंट कूपन कोड अप्लाई करना है, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, डिस्काउंट की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। 24 मंथ का आप प्लान ले सकते हो, 5832 में पड़ेगा, 12 मंथ का ले सकते हो ये 4860 में पड़ेगा, और 6 मंथ का ले सकते हो ये 3888 में पड़ेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप 24 मंथ्स का लो, क्योंकि इसमें देखो 75% इतना ज्यादा ऑफ मिल रहा है, प्लस वैलिडिटी आपकी इतनी इंक्रीज हो जाती है, तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल यही रहेगा आपके लिए।
बाकी आपकी चॉइस है, आपको जो अच्छा लगे आप वो ले सकते हो। इसमें सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा आपका, ये देखो मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट, क्विज, सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। पीएमवाईटी अप्लाई करना है आपको जब सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, रेफरल कोड की जगह पीएमवाईटी लगाना है, और क्रेडिट्स अपने जो है वो भी रिडीम कर लेना है, इससे आपको डबल डिस्काउंट मिल जाएगा, तब ये आपको 5832 में पड़ जाएगा। और अभी के अभी परचेज कर लो अगर परचेज करने का सोच रहे हो तो, क्योंकि किसी भी टाइम प्राइजेस इंक्रीज हो सकते हैं, फिर बाद में मत कहना कि काश हम पहले ले लेते, इसलिए पहले ही लेके रख लो, पीएमवाईटी नोट कर लो और अभी के अभी कोर्स ले लो और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। ठीक है भाई, ऑल द वेरी बेस्ट जिनका आगे वाली चिप्स में एग्जाम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।